नमस्कार बारवाटी धौली एक्सप्रेस सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस दशहर में मां दुर्गा मूर्ति उच्चता को नहीं बिवाद केते फुट रहे मूर्ति दुई दिन में निष्पत्ति कोविड स्थिति देखि भक्तों को मिलिबा अनुमति सबडे कटक रे चली जोरदार प्रतिवाद जितिबे कटकिया आउ हारिबो अहंकार रहस्य भितरे महावीर बस्ती हत्याकांड मृत युवती परिचय खोजुची कमिश्नरेट पुलिस हत्याकांड पछर कारण कौन सुराग पाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपेक्षा पुलिस कहला आवश्यक पड़े करसेरा टेस्ट मैट्रिक परीक्षा नुआ ढांचा मूल्यायन शैली को नहीं कर्मशाला वर्षक छटी परीक्षा चारोटी विद्यालय और दुईट परीक्षा परिचालना कर बोर्ड सिटी बीएड छात्र छात्री नियारा प्रतिवाद हाथ में लंगल कोदाल और बोझ धरी विक्षोभ गणशिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कुशपुतलिका दाह कले छात्र छात्री खंडगिरी रास्ते चारोटी दुकान रु चोरी दुकान सटर ताड़ी लुट सीसीटीवी कैद है चोरी बेलर दृश्य पुलिस छानबीन आउ जणे श्रवण कुमार बापा मां ही जीवन व्रत और मंत्र आठ वर्ष बयस कुनी पुओ पर दृष्टिहीन बापा मां को बुझ देख संपूर्ण खबर कोरोना संक्रमण को आखि आगे रखी सरकार पार्वण में चारि फुट उच्चतार मूर्ति एवं मंडपे परदा टाणे पूजा करने को निर्देश देते सरकार निर्देश पर पूजा कमिटी माने विरोध करने कटका कोहल करने दावी करते आज एने सरकार और पूजा कमिटी मध्य बैठक होता बेले आगामी दुई दिन भितर सरकार एने निष्पत्ति ने जमापड़ दशहर में मां दुर्गा मूर्ति को नहीं बद के फुट्र मूर्ति दुई दिन में निष्पत्ति ने सरकार दशहर में मां दुर्गा मूर्ति उच्चता और आबध पूजार पुनः विचार पर दाबी प्रतिवाद धारणा खरा हो कि बर्षा प्रति समय कटक स्वर तेजा पर विचार कर राज्य सरकार खासकर मां मूर्ति उच्चता वृद्धि होने अधिक संभावना आशा बढ़ी जहाँ एवं सामाजिक संगठन और पूजा कमिटी दीर्घ दिन दाबी आंशिक आश्वस्ति मिली मूर्ति उच्चता पूर्व आबध पूजा संपूर्ण हटिगले 500 वर्षर संस्कृति और परंपरा बंची रहा हजार वर्षर सहर हूँ कटक सहर जो सहर में आज भी संस्कार संस्कृति को बचाई रखापार पूरापल्ली में कटकिया ही लगिक रही ये कटकिया जो मनोभाव भावाबेग ताको जो ढंग से सरकार विरोध करे चाणक्य नीति सरकार चलो ना बोले आगामी 13 तारीख में भारतीय जनता पार्टी निष्पत्ति नहीं कटक सहर बंद हम कटक सहर एपरी कौन असुविधा अच्छी मूर्ति छोट करदे कोविड बढ़ी कि उच्चता करदे कोविड बढ़ी ए जहाँ से नीति नियम करवा मानि चलू कि गोटे पूजा कमिटी तरफ आम दाबी जो मूर्ति बड़ कराओ उच्चता कराओ और चांदी सुना जो कटक सहर भाईचारा सहर जहाँ को देखा सारा ओडार कौन सारा भारत लोक आसती आम कोविड से सीचुएसन देखिकी आम जहाँ सरकार नियम करेंगे आम पूजा मंडप मानिकी आम चलू बर्तमान सरकार जो भाया दु वर्ष आमको जो भाया गाइडलाइन कर बर्तमान करगले बर्तमान सब प्रकार जिनस खोलाखोली भल मंद सुविधाटा होगा तथा तो सरकार नियम हूँ जनसाधारण कथा दुर्गा पूजा शांति कमिटी कथा मानि सर्वसाधारण कहीं आ पे पुनर्विचार करके चिंताधारा करेंगे कौन करेंगे नक पच कथा कि कथा विचार योग्य हवा दरकार कटक सहर संस्कृति और परंपरा बचाई कटक सब वर्गर लोके दीर्घ नदी हे खरा वर्षा कटक समस्त सामाजिक संगठन राज्य सरकार को निष्पत्ति परिवर्तन प्रतिवाद जारी रखिंट प्रतिवाद आगे मुंड नुआई राज्य सरकार कटक पूजा कमिटी शांति कमिटी आलोचना कर कोविड सांगे माँ नीति नियम को चेंज करने सांगे कि यथास्थ्य ना सेमती ना चारि फुट मूर्ति सांगे कोविड कौन संपर्क ना जमी आगे आम नियम अनुसार माँ का मूर्ति जी फुट हबार थी से फुट हाँ निहाती दरकार आज आम पर्दा पचर पूजा करने कथ कहते एक्चुअली पर्दा पचर पूजा करा हिंदू धर्म नियम ना
पूजा सांगे जदि सरकार को सचेतना कराया जनसचेतना करूँ। मुख्यमंत्री जो चिंताधारा अच्छी कोविड गाइडलाइन को देख गोटे जीवन हानि न रहू यो लक्ष्य से नहीं चली से कथा को चिंता करी आज जो आलोचना भी है अत्यंत फलप्रद आलोचना है सहरवासी को समस्त शांति कमिटी पूजा कमिटी को माननीय मुख्यमंत्री सम्मान दे आलोचना को निर्देश देते करने पूजा प्राय मासे समय अच्छी रावत पूजा करा कि नहीं कोरोना को देखी सेते बेले निष्पत्ति नियाजिबो। कटकरु कैमरा पर्सन सुब्रत को सह विश्वजीत दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मैट्रिक परीक्षार नुआ ढांचा मूल्यायन शैली को नहीं कर्मशाला आयोजित होई वर्षक छि परीक्षा हो चारोटी विद्यालय द्वारा और दुईट बोर्ड द्वारा परिचालित हो चलित वर्ष प्रथम थर पर होगाकूँ दशम श्रेणीर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो परीक्षा एही परीक्षा पूर्व बोर्ड कार्यालय रे तालीम ने राज्यर समस्त जिलारु आसीथिबा 96 जन शिक्षक और शिक्षयित्री फॉर्मेटिव असेसमेंट और टर्म परीक्षा किभली हेबो एही परीक्षा पई परीक्षार्थी को किपरि प्रस्तुत करा जिवो केउ आधार रे मार्किंग हेबो ओ फल प्रकाश करा जिवो से नै चालीछि ट्रेनिंग। एही मास्टर ट्रेनर माने निज जिला को जाई जिला स्तरर स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री मानको तालीम प्रदान करिवे एही नुआ ढांचा रे हेउतबा परीक्षा सह तालीम व्यवस्था बेस उपादेय हेबो बोली कहिसंती तालीम नेउतबा शिक्षक शिक्षयित्री पुरु बोर्ड परीक्षा चलथला क्लास 10 रो लास्ट रे गोटे बोर्ड परीक्षा हबो सब पिल्ला माने देबे सेही दिन रो सेही दिन 2 घंटा रे जहां तार भाग्य निर्धारण होतला किंतु एबे जो सिस्टम बदलि जाउची इवैल्यूएशन उथ व्हाइल लर्निंग पढ़ुआ समय पिला इवैल्युएट करा जिवो दि प्रकार परीक्षा हबो एणिकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो 4टा आ सबमिटिव असेसमेंट हबो 2टा जे सेशन भी बदली गला जे आमर जुलाई रु आरंभ होला नवंबर फास्ट हबो गोटे टर्म एवं सेमिस्टर भली जेमती होउची सेमती हबो एवं नवंबर रु एप्रिल होउची सेकंड सेमिस्टर जो इनिशिएटिव बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो नहीं चंती सेटा पिलांक पई बहुत माने डेवलप कर पिला माने इजे बहुत एंगेज है कि निजु को बहुत एक्सप्लोर करि परिबे आ बहुत जिंसो सिखिबा को मिली छे आ जहां भी हमें सिखिबो हमें जाई कि सेटा हमें प्रेशर टाउ नाही पिला जानी परिबनी तार असेसमेंट सरी जाई छे माने जेमती कि आगो गोटे बोर्ड एग्जाम हेले पिला को जो भय आसुतिला से भयटा से आसिबनी आ 65 वर्ष धरी प्रचलित मैट्रिक परीक्षा ढांचा रे बड़ धरणर परिवर्तन आनिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद चलित शिक्षा वर्ष ठारु दशम श्रेणीर छात्र छात्री माने वर्षक गोटे नुहे बरं प्रति वर्ष चारोटी फॉर्मेटिव असेसमेंट और दुईटी टर्म परीक्षा करी मोट 6टी परीक्षा देबे एवं एही 6टी जक परीक्षार मूल्यायन को नै चूड़ांत मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश करिवो बोर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा पई स्कूल कर्तृपक्ष निजे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करिबा सहित मूल्यायन करिवे किंतु टर्म परीक्षा बोर्ड परिचालित करिवो तेबे एही नुआ व्यवस्था रे प्रथम फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा आसंता सप्ताह रे करा जिवो एति पई समस्त प्रस्तुति आरंभ करिबा सह एही व्यवस्था बेस सफल हेबो बोली कहिसंती बोर्ड कर्तृपक्ष नुआ स्कीम ऑफ असेसमेंट जोटा यही वर्ष रू आम लागू करुच्छ नवम दशम श्रेणीपाई तार प्रथम फॉर्मेटिव असेसमेंटा सेप्टेम्बर सेकेंड विक्रु हबार अच्छी से ही विषय में अवेयर करवाई आम शिक्षक मानक आम गोटे तीन दिन कर्मशाला गोटे आयोजन करचु नुआ स्कीम ऑफ असेसमेंट विषय में संपूर्ण भाव में केमती परीक्षा हम कौन हम तार से विषय आम जनाऊु बर्तमान करोना शिक्षा व्यवस्था उपरे विशेष प्रभाव पड़ी बिना परीक्षा रे बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश करितला तेबे एहाकु सुधार परिवर्तन आनिबा पई नुआ रूपरे फॉर्मेटिव परीक्षा अनुष्ठित हेबो। कटकरु विश्वजीत दासंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चिटफंड ठकी अभियोग रे गिरफ होइतबा विशाखापाटनार पूर्वतन विधायकक ग्लैमर लिंक कोटी कोटी टंका ग्राहकक थारु ठकी तेलुगु फिल्म निर्माण करुतबाने अभियोग होइछि एने ईओडब्ल्यू रो तदंतकारी अधिकारी कहिछन्ते 2009 रु 2014 भितर नयागढ़ कटक भुवनेश्वर से शाखा अफिस् खोली लोकं बेसी रिटर्न और भाइजाक जमी देवार देखाऊ प्रलोभन एवं सुधा 150 रु अधिक डिपोजिट सामना को आसी आवश्यक है रिमांडे अणा बोली क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा कहते
ଓଡ଼ିଶାରେ 2009-14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏମିତି ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ବେଶୀ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଭାଇଜାଗରେ ଜମି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 150ରୁ ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟର୍ସଙ୍କର ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଡିପୋଜିଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସ୍କିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ରିଟର୍ନ ବେଶୀ ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ଜାଗାରେ ଜମି ମିଳିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ ତେଣୁ କୋପରେସନ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିକି ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2009 ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ଖଣ୍ଡଗିରି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା 4ଟି ଦୋକାନରୁ ଚୋରି, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଚୋରି ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୁଟେରାମାନେ ସଟର ତାଡ଼ି ଚୋରି କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ରହସ୍ୟ ଘରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ମହାବୀର ବସ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 15 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବା ପ୍ରେମିକ କାହିଁକି ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରି ଫେରାର ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ମହାବୀର ବସ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରି ପ୍ରେମିକ ଫେରାର, କାହିଁକି ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସୁରାଖ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ଭଲ ପାଇଲେ, ଏକାଠି ରହିଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ରାଜଧାନୀ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାବୀର ବସ୍ତିରୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ। କିଏ ମାରିଲା ଓ କାହିଁକି ମାରିଲା, ଏହାର କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭଡ଼ାଘରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଚିଯାଇଥିବା ବେଳେ 5ରୁ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କୌଣସି ତିକ୍ତକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧା ହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ହତ୍ୟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘରୋଇ ଲୋକ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ପେସନ୍ରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ପେସନ୍ ହଉ, ରାଗ ହଉ, ହିଂସା ହଉ, ପ୍ରେମ ହଉ, ଯେଉଁଟା ହଉ, ଏଇଟାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କ୍ଲୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଚାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ। ସେପଟେ ଭଡ଼ା ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଦେବା ଘଟଣା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜେରା କରିବା ସହ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ। 15 ଦିନ ହେବ ମହାବୀର ବସ୍ତିକୁ ଆସି ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 7ରୁ 8 ଦିନ ହେବ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଘର ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଲେଇକି ମୂଷା କେଉଁଠି ମରିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଘରୁ ଜୋର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ଘରୁ ଜୋର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ଏଇ ରହିଲେଣି 10 ଦିନ ହେଲା। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ 8ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏହାରି ଭିତରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଙ୍କାଳ ଆଦି ମାମଲାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଖେଳିବା ବୟସରେ ସେ ସେବା କରୁଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାପା ମାଙ୍କର। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ବାପା ମା ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଓ ମନ୍ତ୍ର, କଳ ବୟସରେ ବୁଝିପାରିଛି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳ ବୁଲିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ପରିବାର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମା ଓ ବାପା। ଆଠ ବର୍ଷର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ି ନେବା ସହ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟନଗରର ରାଜକୁମାର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରବଣ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା ମାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଲଟିଛି କଳିଯୁଗର ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି? ବାପାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ପଢୁନ? ପଢୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ତୁମର? ମୋର ଡକ୍ଟର ହବାର ଅଛି। କୁନି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ବହି ଖାତା ଧରି ବସିପଡ଼େ। ମାତ୍ର ପରିବାରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ପୁଅର ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଅ ତାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁ ବାପାମାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଶା ଥାଏ, ସେଇ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ପୁଅ କେମିତି ଦେଶ ମାତୃକାର ନାଁ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛି। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଉପରବାଲା ହାତରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ବାଇନ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଏମିତି କଡ଼େଇ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲି, ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳୁ କହିଲା ମମି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଏମିତି ଟିକେ ସିଧା ବସିବ କହିଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବସାଇଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଢ଼େଇବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଉଥିବୁ। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ବି ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାଏ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ପ୍ରତି ଖବରକୁ କଟକ କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ଅମ୍ବର ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ସହ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ହୋଟେଲ ଚଲୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଜି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ 50-60 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ହେଫାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାସହ 15,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସଠିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆସିଲେ ହିଁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ଭଳି ହୋଟେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଅମ୍ବର କଲେଜ ଛକରେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସବଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେ ଏଠି ତା'ର ବି ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ ସଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-60 କିଲୋ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଯିବ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବେଆଇନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଈଶାନେଶ୍ୱର ନଗର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପିଏମ୍ଜି ଛକସ୍ଥିତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଈଶାନେଶ୍ୱର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରାଯାଇ ବାହାରୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି।
जहार प्रतिवाद रे दीर्घ 12 दिन होला कमिटी पक्ष विभिन्न महल रे दाबी उपस्थापन करूथिले मध्य सुफल मिलूना शेष धारणा स्थल रे न्याय दाबी करी सेमाने धारणा देवा सह जेपर्यंत न्याय न मिलिछि एही स्थान रु उठिबेनी बोली ईशानेश्वर नगर उन्नयन कमिटी रो संपादक हनक नायक कहिछन्ति। एटा जेपर्यंत सरकार अमर दाबी सुना जाय फाइनल हेइने नियुक्ति ठीक भाबरे जदि कागज पत्रटा तदारक हेला बा देबे जदि दाबी सुनिबेनी त आमे बाध्य हो के आजिर एही धारणा को कंटिन्यू करिया पय आमे रेडी अछु। सिटी बीएड छात्र छात्री नियारा प्रतिवाद हाथरे लंगल कोदाल और बोझ धरी प्रतिवाद गणशिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कुश पुतलिका दाह कले छात्र छात्री भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन में देखा मिलता किसी यही दृश्य दीर्घ 20 दिन है सिटी और बीएड छात्र छात्री राजरास्त धारण में बसिंट गत चारोटी टीम गणशिक्षा मंत्री को भेटी हेले शिक्षामंत्री तांकु चाकरी दे हेबनी चाष कर बोली कहिथिबा सेमान अभिजोग करिछन्ते यार प्रतिवाद रे छात्र छात्री आज आंदोलन करिछन्ते। आशा परवर्ती खबर को पुणी चिलिका विधायकों दबंगिरी चिलिकार बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव दबंगिरी देखा मिली बालुगा नगर मंडल बीजेपी सभापति माड़ मार अभोग सभापति निरंजन सेठी को पिटवा सह गाड़गुलज कर अभोग बालुगा एनएससी में सरकारी कार्य बेले घटी अप्रीतिकर घटना विधायकों मनमुखी विधायक मनमुखी आवास गृह बंटन अभोग आणुवा बेले माड़ मार वीडियो सोशल मीडिया में भाइराल हो विधायकों तुरंत गिरफ दाबी करी बीजेपी पूर्व दबंगिरी कर बिवाद अच्छा प्रशांत जगदेव तो प्रशांत जगदेव चिलिकार जे कि विधायक अच्छा दबंगिरी पुणी थे सामना को आसी प्रशांत जगदेव बालुगा नगर मंडल बीजेपी सभापति को माड़ मार अभोग भिजुआल भाइराल होजुआल देखुं जो थे प्रशांत जगदेव चिलिकार विधायकों दबंगिरी देखा मिली एवं बालुगा नगर मंडल बीजेपी सभापति को से दिन दीपर के माड़ मार तहार चित्र आपने पहुंचाऊ चित्र सामना को आसवा पर दबंगिरी विधायकों कार्यकलाप को नहीं पुणी थे प्रश्न उठी जे के भाव जन जनप्रतिनिधि खुलम खुला आईन को हाथ को नौं दिन दीपर जड़े नगर बालुगा नगर मंडल बीजेपी सभापति को माड़ मार तहार दृश्य सामना को आसवा पर विधायकों आचार व्यवहार एवं दबंगिरी और गुंडागिरी को नहीं पुणी थे प्रश्न सामना को आसी पुणी थे चित्र सामना को आसी कान्हू बेहरा आम चिलिका प्रतिनिधि फोन लाइन अच्छा अधिक सूचनापी कान्हू केत घटी घटना एवं कौन कारण बोली कह देखु अपूर्व जहाँ आज बीजेपी मानने बालुगा एनएससी रे आवास योजना बंटन को लेकिन चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव तांकर मनमुखी हिसाब से दलय कर्मी और जो मैंने भोटर से आवास योजना अंतर्भुक्त कर आवास योजना बंटन करते जहाक नहीं गत कि दुई चार दिन तले बीजेपी रो सक्रिय कर्मी माने मैंने विरोध करते जे मनमानी आवास योजना बंटाई पारे जी प्रकृत हिताधिकारी से आवास योजना अंतर्भुक्त कर आवास योजना दि जाऊ यह नहीं जो आज प्रशांत जगदेव आवास योजना बांटापी आसते बालुगा एनएससी अंचल को से विरोध करते जहाँफल कि आज माड़ खाइबार शिकार होती दुर्घटना शिकार होती अपूर्व कानु यह जानवाक चाहूँ जे ये खबर सामना को आसवा पर विधायकों किसी प्रतिक्रिया सामना को आसी परिस्थिति से यह हाथ उठाई आईन को हाथ को नहीं कौन सी विधायक प्रतिक्रिया बर्तमान हस्तगत हो पारे ना विधायक राजी ना जेहेतु से आगुरु भी तो बदी होती गुंडागर्दी और बाहुबली विधायक होती से इशारा नहीं कि बाहुबली विधायक रूप देखा चिलिका मटी अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद कान्हू बेहरा आम चिलिका प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते कि भाव चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव दबंगिरी व गुंडागिरी चित्र पुणी थे सामना को आसी आवास बंटन को नहीं से मनमुखी कार्य करुवा बेले निज दलय कर्मी को मनइच्छा आवास बंटन करुवा बेले विरोध करने को जी के भाव से माड़ मार बीजेपी जन कर्मी को तहार चित्र बर्तमान सामना को आसी काशतंडी फुले मही दिशई धवल सरोवरे फुटी अच्छी कुमुद कमल माँ का आगमन में पुलकित धरणी राणी शस्य श्यामला धरणी निज पतियारा विस्तार करी
नील आकाश तले खिलिखिलि हसुची काशतंडी फुल नदी पठाठारु आरंभ करी रास्ताकड़ पर्यंत सबुठि भरी देछि सौंदर्यर फुआरा। ए महामारी समय रे सते जेपरी काशतंडी कहुछि मां तुमे आस, ए करोना रूपी महिषासुर को बद्ध करी तुम संतानंकु बंचा। काशतंडी मही तले दिसुचि धवळ सरोवरे फुटि अछि कुमुद कमल माँ का आगमन रे धरित्री होइछि धवल बना शस्य श्यामला धरणी रे निजर पतियार विस्तार करी माँ का आह्वान को अपेक्षा करिछि काशतंडी। माँ दुर्गा को स्वागत करिबा पई मेघ को पिठि करी पवन रे झुलुछि काशतंडी। पार्वण मास को स्वागत जणाई धोब फरफर काशतंडी फुलर संभार। काशतंडी फुले फुले फगुण आसी ऋतुचक्रर ताले ताले बदली थाए प्रकृतिर सौंदर्य। सर्वदा सबुज सुंदर रंगरे चहटुथबा धरित्री शरत ऋतुरे धला फरफर काशतंडी फुलर साड़ी पिंधि सते जेमिति जगत जननी माँ दुर्गांकर धरावतरण को अपेक्षा करिछि। खोला आकाशर रास्ता कड़ठारु आरंभ करी नईपठा सबुठि धला रंगर काशतंडी फुलर पसरा प्रकृतिर सौंदर्य को द्विगुणित करिछि। धरणीर ए सुंदर मादकतार रूप को मन भरि उपभोग करिबा पई रास्तारे अटकी जाए बाटोईटिए। गजाननक पूजा परे काशतंडीर सुंदर पसरार आरंभ हुए ओ माँ दुर्गांक आगमन रे प्रकृतिर शोभामंडन करुथुबा काशतंडी माँक मेलाणी परे स्वतप्रभृत भावे मौली जाए। आसीछि पार्वण एबे केवल माँक अपेक्षा पवनरे झुलुथुबा काशतंडी सते जेमिति कहुछि माँ तुमे आस, ए करोना रूपी महिषासुर को बद्ध कर तुम संतानंकु बंचाओ। काशतंडी प्रकृतिर विचित्र सृष्टि कहुजाए काशतंडीर चामर स्पर्शरे माँकर आविर्भाव हुए। आसीछि पार्वणर ऋतु केवल अपेक्षा माँकर धरावतरण। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद को सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज समस्त रिची बुलेटिन केट रखुछु मत विदा दियंतु नमस्कार।